नमस्कार दोस्तों, यदि अगर आप बिहार से हैं और आपकी बेटी का उम्र 2 साल से कम है तो यह खुशखबरी आपके लिए है। इस वीडियो को आप मिस या स्किप ना करें क्योंकि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत आपकी लाडली के जन्म से लेकर 9वीं कक्षा पास होने तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही साथ मैट्रिक पास करने पर 10,000, इंटर पास करने पर 25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि आपकी बेटी का उज्जवल भविष्य बन सके। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और इसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपको कन्या उत्थान योजना महिला विकास निगम बिहार सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर पूछे जाने वाले डिटेल फिल करने हैं। यहाँ पर आपको वित्तीय वर्ष फिल करना है, यानी कि इस साल के लिए आपको 2022-2023 फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर योजना सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बेटी का उम्र 1 साल से कम है तो आपको यह सिलेक्ट करना है और 1 साल से 2 साल के बीच में है तो आपको यह सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना एरिया टाइप सिलेक्ट करना है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या शहरी क्षेत्र में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पंचायत सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना गांव सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपना वार्ड नंबर सिलेक्ट करना है और आपको नीचे आना है। यहाँ पर बेटी के माता का आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पर माता का पूरा नाम फिल करना है और यहाँ पर आपका बेटी का आधार नंबर फिल करना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं और यहाँ पर बेटी का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको आंगनबाड़ी का कोड संख्या लिखना है। अगर यह कोड आपको नहीं पता है तो आप अपने आंगनबाड़ी में जाकर इसको पता कर सकते हैं। इसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी बेटी का नाम फिल करना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम फिल करना है इंग्लिश में और यहाँ पर हिंदी में। यहाँ पर माता का नाम फिल करना है जो बैंक खाते में है, यहाँ पर इंग्लिश में फिल करना है और यहाँ पर हिंदी में। इसके बाद यहाँ पर बेटी का जन्म तिथि फिल करना है, यहाँ पर टीकाकरण पूर्ण होने की तिथि फिल करना है और यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी। वहीं अगर बच्चे की माता की मृत्यु हो गई है तो यहाँ टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। अगर यहाँ पर आप कोई और जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आना है और बैंक का डिटेल फिल करना है। यहाँ पर आपको बैंक का खाता संख्या लिखना है, यहाँ पर ब्रांच का IFSC कोड लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बैंक का नाम चुनना है। बैंक का डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। यहाँ पर बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके ये चूज फाइल पर क्लिक करना होगा और फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड करना होगा और आपको ध्यान रखना है फाइल JPG या PDF में होना चाहिए और 300 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर माँ के साथ बच्चे की तस्वीर अपलोड करनी है और अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करना है और फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है और यह फोटो JPG में होना चाहिए और 200 KB से नीचे होना चाहिए। सारा डिटेल फिल करने के बाद आपको फॉर्म को सेव करना होगा और सेव करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको user ID और पासवर्ड मिल जाएगा, इसको आपको नोट करके रख लेना है क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर वापस आना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको user ID और पासवर्ड फिल करना है जो आपको अभी मिला था। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका डिटेल शो करेगा जो आपने फिल किया था, उसको क्रॉस चेक कर लेना है और सारी डिटेल को फाइनलाइज कर लेना है और फाइनल सबमिट कर देना है और इसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।